नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। दिन भर की खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा। बिहार सीएम नीतीश कुमार कल पहुंच सकते हैं दिल्ली, वहीं सीट शेयरिंग पर बीजेपी से कर सकते हैं बात। मुफ्त बिजली का प्रस्ताव, योगी सरकार का किसानों का बड़ा तोहफा। लखनऊ कैबिनेट मीटिंग में राज्य के किसानों के लिए ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली का प्रस्ताव पास कर दिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में कपल्स को एसिड वाला माउथ फ्रेशनर खिलाया, मुंह से खून आने पर हुआ हंगामा, वहीं रेस्टोरेंट बंद कर संचालक हुआ फरार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को जैन के बाबा महाकाल के किए दर्शन, 20 साल में चौथा राहुल ने किया दर्शन। इसके बाद सभा में लोगों को किया संबोधित। चीन का रक्षा बजट भारत से 3 गुना ज्यादा हुआ, इस साल 7.2% का इजाफा, लेकिन ये अभी भी अमेरिकी सेना से 54 लाख करोड़ कम है। वहीं अब मालदीप को मुफ्त सैन्य सहायता देगा चीन। बता दें, दोनों देशों ने रक्षा समझौते पर किए साइन, 10 मई तक मालदीप छोड़ देंगे भारतीय सैनिक। बात करें सोने चांदी की कीमतों की, तो सोने की कीमत ऑल टाइम हाई रहा, जो 64,404 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका, वहीं चांदी भी 72,000 के पार पहुंची। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियाँ। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। मनोज राठी कांग्रेस में हुए शामिल, तो वहीं कुमारी शैलजा बोली, भारत की झूठी प्रोपोगेंडा मशीन 400 का नारा दे रही है। दरअसल बता दें, कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा की झूठी प्रोपोगेंडा मशीन 400 का नारा दे रही है। उन्होंने कहा कि इसका हश्र भी शाइनिंग इंडिया वाला होगा। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 में हरियाणा में 75 पार का प्रोपोगेंडा चलाया गया था, कितने पर अटका। वहीं इस बार केंद्र में भी भाजपा ने वही प्रोपेगेंडा अपनाया हुआ है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर उन्होंने कहा कि पार्टी फैसला करेगी, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है, अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। हरियाणा में आयुष्मान भारत व चिरायु योजना के तहत इलाज के निजी अस्पतालों के करीब 300 करोड़ रुपए का भुगतान अटक गया है। दरअसल कई जिलों के अस्पतालों का भुगतान 6 महीने से लेकर 1 साल तक का बाकी है। वहीं बार बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद भी राशि नहीं मिलने से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने 16 मार्च से आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करने का ऐलान किया है। बताते चले, गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हरियाणा में ये योजना चिरायु के नाम से चलाई जा रही है। इस योजना में प्रदेश के 38 लाख परिवारों के करीब 1.5 करोड़ से अधिक सदस्य शामिल हैं। योजना के तहत सरकार के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में मरीज इलाज तो करा लेते हैं, लेकिन इसके बदले लंबे समय से सरकार की तरफ से निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं किया जा रहा। गुरुग्राम के लॉ फॉरेस्टर रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल उनके मुंह से खून निकल आया। बता दें, गुरुग्राम में रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने से 5 लोगों की तबीयत बिगड़ने के मामले में पुलिस ने एक कर्मचारी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसका रेस्टोरेंट संचालक अभी तक फरार है। बताते चले कि सोमवार 4 मार्च को 3 दंपत्ति गुरुग्राम के सेक्टर 90 स्थित फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खत्म होने के बाद उन्हें रेस्टोरेंट के वेटर ने माउथ फ्रेशनर ऑफर किया था। जानकारी के अनुसार, माउथ फ्रेशनर लेने के बाद 5 लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई, मुँह से जलन के साथ खून निकल आया। हालत गंभीर होने पर 5ों को एक निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। चंडीगढ़ में आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। वहीं इस बैठक में अहम कई फैसले लिए गए। दरअसल बता दें कि वित्त मंत्री होने के नाते सीएम ने बजट में कई नई योजनाओं की शुरुआत करने का ऐलान किया था। इस कैबिनेट बैठक का पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बताते चले, लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ रोज पहले होने वाली यह बैठक काफी अहम माना जा रहा था।
जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हालिया बजट सत्र के दौरान की थी। वित्त मंत्री होने के नाते सीएम ने बजट में कई योजनाओं की शुरुआत करने का ऐलान किया था। इन योजनाओं पर कैबिनेट की मोहर के बाद उन्हें लागू किया भी जा सकता है, जिसके आगामी लोकसभा चुनावों में उनका फायदा पार्टी को ही मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को शाम 3 बजे से आरंभ हुई। अब हरियाणा सरकार थानों में बनाएगी जिम। 5 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद लिया गया फैसला। जी हाँ, हरियाणा सरकार अब जल्द ही सभी पुलिस थानों की नई बिल्डिंग में जिम बनवाएगी। वहीं प्रदेश में 5 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं गृह मंत्री मोटी तोंद वाले पुलिसकर्मियों को फील्ड की ड्यूटी पर तैनात करने के निर्देश भी दे चुके हैं, क्योंकि लंबी ड्यूटी के कारण पुलिसकर्मी अक्सर तनाव में रहते हैं। ऐसे में हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क कर रहे गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में कर्मचारियों के लिए जिम की शुरुआत के निर्देश दिए हैं। इसके लिए स्थायी व अस्थायी जिम स्थापित करने की संभावनाओं पर काम करते हुए पुलिस विभाग द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। हरियाणा में अब सभी टोल प्लाजा पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। दरअसल ऐसे निर्देश पुलिस महानिदेशक DGP शत्रुजीत कपूर ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के रिव्यू मीटिंग में अधिकारियों को दिए। आपको बता दें कि DGP ने कहा कि इस फैसले से लूट, डकैती, मर्डर जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वहीं साथ ही हाईवे से भाग रहे अपराधियों को भी आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा। बताते चले कि DGP ने सभी SP को निर्देशित करते हुए कहा कि वह अपराध नियंत्रण को लेकर अपने जिलों में थाने व चौकियों में अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें सम्मानित भी करें। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।